हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है टैक्स सेविंग स्कीम्स इन इंडिया। और दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो सेव हो जाए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन कौन सी टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करके हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। देखिए, टैक्स तो हमें देना ही है। अगर हमने एक बार टैक्स दे दिया तो वापस तो कुछ आना नहीं है। और अगर हमने ऐसी टैक्स सेविंग स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया तो 3 से 4 साल बाद पैसे तो वापस मिलेंगे। तो ये फायदा है टैक्स सेविंग स्कीम्स का। जनरली ये जो भी टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं, इसके अंदर 3 से 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। उसके बाद हम अपने पैसे विड्रॉल करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं अलग अलग टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली जो स्कीम है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब PPF। ये नाम काफी लोगों ने सुन रखा होगा कि PPF अकाउंट खुलवा लीजिए अगर आपको टैक्स सेव करना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है जो आपको ऑफर करता है अच्छी रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स के अंदर। और PPF में किया हुआ इन्वेस्टमेंट एलिजिबल होता है टैक्स सेविंग के लिए अंडर सेक्शन 80C। और PPF के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है वो आपके टैक्स से डिडक्ट हो जाता है। और PPF एक ग्रेट ऑप्शंस हैं उन टैक्स पेयर के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी स्कीम आती है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, मतलब EPF। तो जो लोग भी आजकल जॉब करते हैं उनके PF कट के पैसे आते हैं। PF मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। और EPF एक मैंडेटरी सेविंग स्कीम होती है, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, उनके लिए एक मैंडेटरी सेविंग स्कीम है जिसके अंदर आपकी सैलरी में से कुछ पोर्शन हर महीने डिडक्ट हो जाता है EPF के लिए। और आपके एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। और EPF पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। और विड्रॉल के टाइम ये जो पूरा अमाउंट होता है वो भी आप बिना टैक्स के निकाल सकते हो। फिर दोस्तों, तीसरी जो टैक्स सेविंग स्कीम है वो है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको NPS भी बोलते हैं। ये एक ऐसा पेंशन स्कीम है जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स देता है इंडियन सिटीजन्स के लिए। इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है अंडर सेक्शन 80C एंड अंडर सेक्शन 80CCD 1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और NPS पे जो इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। और इसमें भी आप विड्रॉल के टाइम टैक्स फ्री सारा पैसा निकाल सकते हो। जो उनकी कंडीशन है वो आप क्वालिफाई कर रहे हो तो। फिर दोस्तों, चौथी जो स्कीम है टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट। ये फिक्स्ड डिपॉजिट आपको ऑफर करता है टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस FD को हमें मिनिमम 5 साल के लॉक इन पीरियड के लिए रखना पड़ता है, लेकिन जो इस पे इंटरेस्ट आते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो ये कैसे टैक्स सेविंग स्कीम हो सकती है। वो इसीलिए, जो इस पर इंटरेस्ट आता है वो आपके टैक्सेबल इनकम के साथ ऐड हो जाता है, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर दोस्तों, पांचवी जो स्कीम है वो सबसे ज्यादा फेमस है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब ELSS। ये जो भी शेयर मार्केट के अंदर जो भी टैक्स सेवर फंड्स आते हैं, जो भी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स आते हैं, वो ELSS कहलाते हैं, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो जनरली आपको ये पता ही है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो शेयर मार्केट के अंदर ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होता है, और इस पर रिटर्न शेयर मार्केट से जो रिटर्न मिलता है उस पर बेस्ड होता है। और इसके अंदर मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और इसके अंदर आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और अगर आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो टैक्स डिडक्शन के लिए काउंट नहीं होगा। तो ELSS फंड के अंदर रिस्क बाकी सब स्कीम से थोड़ा ज्यादा होता है, पर रिटर्न मिलने के चांसेस बाकी सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब जहां रिस्क होगा वहां रिटर्न भी होगा। और इसके अंदर लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है 3 साल का, इसीलिए ELSS स्कीम काफी ज्यादा फेमस है अभी जो टैक्स सेव करना चाहते हैं उनके बीच में। तो आज ही आप इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। और भी कोई आपको टैक्स सेविंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पीरामल फाइनेंस की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। उनके हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे बेस्ट फाइनेंशियल बेनिफिट पाने के लिए। तो पीरामल फाइनेंस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। और पीरामल फाइनेंस आपको कॉल पर भी हेल्प कर देंगे, उनके टोल फ्री नंबर भी आपको मिल जाएंगे।
और दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और नेक्स्ट हम कौन से टॉपिक पर बात कर सकते हैं वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों पीरामल फाइनेंस का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन हाथों हाथ मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।